अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? आज मैं आपके लिए लाया हूँ ख़त्ते सुलज में बे को रा के साथ मिलाना सिखाऊंगा, और बे को दूसरे रा, एक गोल रा होता है और एक खंजरी रा होता है, और बे को सीन के साथ और बे को शीन के साथ ये मिलाना सिखाऊंगा आपको। आप ज़रा देखें लिखते हुए मुझे, तो आप जहन नशीन करें, मैं भी ज़रा अपनी मशक करता हूँ, आप भी मशक करें देख के, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। एक जो बे और आ ये होता है, जब हमने तख्ती लिखनी होती है तो इन लफ्ज़ों को आपस में जोड़ के रखना है। जैसे ये हम जोड़ा है बे को रे के साथ, बाकी पीछे जो लफ्ज़ बनाए थे वो भी हमने जोड़ के लिखे थे। बे और रा जो पहला लिखा था ये वाला, वो भी इसके साथ जोड़ के लिखना है। अभी ये देखें, हमने पहले खत पहली तख्ती में हमने रा बनाया था ये वाला, हमारी पहली तख्ती जो है ना वो बुनियाद है इस खत की। वो उसमें जितनी ज़्यादा मशक हो जाए तो उतनी कम है, क्योंकि हमारे लफ्ज़ जो हैं उसी पहली तख्ती की बुनियाद पे आगे लफ्ज़ चलते हैं। अब ये देखें, बे को सीन के साथ बनाना सिखाऊंगा। बाकी ये दायरे जैसे हमने पहले ही तख्ती में बनाए थे, पांच पांच कद के दायरे।
आपको शीन के साथ बनाना सिखाएंगे। ये उसका ऊपर वाला सिरा, ये सेम टू सेम ही है। इसकी जो गहराई है वो 1.5 कद, बाकी देहरा बिल्कुल सेम की तरह। अभी मैं इसको आपको मैश करके बताता हूँ कि कौन सा एरिया कितना कितना होना चाहिए, वो ज़रा आप देखें। ये जो एरिया 1 कद हमारा होना चाहिए और यहाँ से ये 1/2 कद डाउन, ठीक है जी। और ये वाला यहाँ तक 2 कद, ये और ये दायरे जो हैं वो हमारे 4 कद, ठीक है जी। और ये 2 कद, इसकी गहराई भी 1 कद, ये से 1/2 कद, ये भी एरिया 2 कद, ये 6 कद, ये 6, और ये वाला एरिया 2 कद, ये भी 2 कद। ये जो है 1/2 कद, 1/2 कद, ये जो है ये तकरीबन 2 कद, ये हमारा ये वाला एरिया 2 कद होगा। 1 कद ये, 1 ये और 1.5 कद ये, और 2 कद ये, इसकी गहराई 1 कद, तो ये नीचे से 2 कद, और जो इसकी यहाँ से 1 कद, यहाँ से भी 1, और यहाँ से 1.5 कद,
और एक ही इसकी यहाँ पे गहराई आएगी और दो कत ये, और इसकी गहराई भी एक कत जैसे दहरा सीन का है, और ये भी दो कत और पांच कत का दहरा होगा हमारा। ये देखें ये पांच, और ये भी इसी तरह पांच होगा। तो जी व्यूज, आज के लिए हमारा इतना ही सबक था। नेक्स्ट सबक में आपके लिए मैं लेकर लाऊंगा अगले लफ्ज़, बे को स्वाद के साथ मिलाना सिखाएंगे, बे को सोए के साथ और बे को एन के साथ मिलाना सिखाऊंगा। तो आज के लिए हमारा सबक इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा लाजमी, अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब कराएँ जो खताती के सीखने वाले हजरात होते हैं। और दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।